आज मैं आपको सिंपल तरीके से दाल चावल बनाना बताऊंगी। और मैंने दाल के लिए मैंने दो दाल ली है, एक मूंग की धुली दाल और अरहर की दाल। और ये कुछ मैंने मसाले लिए हैं। और ये चावल बना रही थी, मैंने थोड़ी देर के लिए इसको भिगा कर रख दिया है ताकि चावल हमारे खिले खिले बने। अब इस कुकर में हम दोनों दाल डाल देंगे। मैंने अपने दाल को अच्छे तरीके से धुल लिया। अब इसमें मैंने जो मसाले लिए थे वो भी डाल देंगे। और उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे अपने दाल के अकॉर्डिंग। और फिर हम इसको बंद करके प्रेशर को गैस में रख देंगे। तो डाल के इसको बंद करते हैं। अब हम इसे गैस पर रखें और हम इसमें दो सीटी लेकर फिर इसके बाद हम इसमें तड़का लगाएंगे। वही भी रख दिए हैं पकने के लिए। हमारे चावल खोल हैं और हमारे दाल में सीटी भी आ चुकी है। ये दाल हमने पका ली है। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। तो मैं इससे तड़का लगाऊंगी, आप लोग रिफाइंड तेल से भी लगा सकते हैं। मैंने तड़के के लिए तीन चीज़ ली, चौकी प्याज, थोड़ी सी हींग, मैंने गोल्डी की हींग ली और थोड़ा सा जीरा। पैन रख दिए, इसको मैंने घी डाल दिया, तीन चीज़ डाल दिए। हमारा दाल चावल बनकर रेडी है। आप इसे अचार के साथ भी खा सकते हैं और ये बहुत स्वादिष्ट लगता है। आई होप करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी।